अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर साइंस टीचर रबिया इफ्तिखार। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एट होम्स। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सो वट इज़ अल्कली और बेस? अल्कली और बेस बेसिकली दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, और दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको जब हम एक्वस सोल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो ये हमें हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अल्कली बेसिकली होती क्या है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है उसको हम कहते हैं कि ये अल्कलीज हैं। जो टर्म अल्कली है ये डिराइव की गई है एक अरबिक वर्ड से कली, जिसका मतलब है एशेस। और जो अल्कलीज हैं वो बेसिकली हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स एशेस से। अब यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो है बेसिस आपके सामने हैं, एक जो है अपने फ्लास्क बॉटल्स के अंदर जो है हमने बेसिस रखी हुई हैं बीकर्स के अंदर छोटे छोटे से, ठीक है। आप ये देखें, ये है NaOH। NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इनको हाइड्रोक्साइड क्यों कहते हैं, इनके एंड में जितनी भी बेसिस होती हैं इनके नेम्स के एंड में हाइड्रोक्साइड क्यों आता है, क्योंकि ये हमें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमेशा जो है हाइड्रोक्साइड आइंस देती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ अल्कलीज और उनके कुछ फार्मूला जो कि आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए भी हुए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। अब ये फार्मूलाज जो हैं ये आपने लर्न करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पेपर में इस तरह फार्मूला भी लिखा आ जाए इनका तो आपको इनका फुल नेम पता होना चाहिए, और अगर फुल नेम लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसका फार्मूला किस तरह से लिखते हैं। तो ये आप लोगों ने लर्न करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलने लगे हैं अल्कलीज की और या बेसिस की। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेस का, उसका हमेशा क्या होता है, एक सोपी टच होता है, सोपी अपीयरेंस होती है, ठीक है। सोपी टच का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको टच करते हैं तो जिस तरह हम सोप को टच करते हैं तो हमारे जो हैंड्स हैं वो थोड़े से फॉर्म्स आ जाते हैं उस पर सोप के, बिल्कुल उस तरह से जब हम बेस के जो सॉल्यूशन को टच करते हैं तो वो उस तरह से कुछ फ्यूम्स या फॉर्म्स जो हैं वो हम लोगों के हाथ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत स्लिपरी सा इनका टच होता है, जिस तरह से सोप्स का होता है, ये आप लोग जिस तरह से ये देख रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि झाग सा बन जाता है, तो बिल्कुल इस तरह से जो बेस के सॉल्यूशंस होते हैं जब हम इनको टच करते हैं तो इनके अंदर भी जो है इस तरह से होता है। उसके बाद अब लिटमस टेस्ट आ गया है। तो लिटमस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती हैं, ठीक है। ये हमने एसिड्स के अंदर भी पढ़ा था, हमने बेस के अंदर भी पढ़ा है। उसके बाद जो फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर की हो जाती है, जैसे यहाँ पर आपको ये वाली इमेज नज़र आ रही है जो कि पिंक कलर है, ये फिनोफ्थलीन है, ये कलरलेस होती है बेसिकली, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर में अपना जो है चेंज कर लेती है अपना कलर। और जो मिथाइल ऑरेंज है उसको वो येलो में चेंज कर देती है, ठीक है जी। ये है मिथाइल ऑरेंज, और जैसे ही हमने इसके अंदर बेस ऐड की तो उसका ऑरेंज कलर जो है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो टर्मेरिक पेपर है, टर्मेरिक पेपर उसको ये ब्राउन में चेंज कर देती है। आपको टर्मेरिक का कलर पता है ना, हल्दी का कलर, तो वो उस कलर को जो है वो ब्राउन कलर में चेंज कर देती है बेसिस, जितनी भी बेसिस हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं बेसिस के, वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो अपने अंदर से जो है बेसिस एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है जो कि हम लोगों ने एसिड्स के अंदर भी पढ़ा था, अब हम लोग बेस के अंदर भी पढ़ रहे हैं कि जो बेसिस हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है हाइड्रोक्लोरिक
एसिड क्या है, एक एसिड है, ठीक है। अब इन दोनों ने रिएक्ट किया है और हमें एक सॉल्ट दिया है विच इज़ सोडियम क्लोराइड और साथ दिया है वाटर। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। ये वैसे भी शॉर्ट्स में जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है आपसे, तो ये आप लोगों ने स्पेसिफिकली याद भी करना है। इसके अलावा जो है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन वाला एक टेस्ट होता है, आप रिएक्शन कह रहे हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। अल्कलीज़ को जब हम हीट करते हैं अमोनिया सॉल्ट के साथ, तो क्या होता है कि वो हमें अमोनिया गैस देती है, ठीक है। अब अमोनिया गैस की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी कि उसकी जो है बहुत पंजेंट सी जो है स्मेल होती है, पंजेंट मींस के बहुत बुरी स्मेल होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है इसी तरह से होती है। यहाँ पर आप लोग ये रिएक्शन देख रहे होंगे कि ये अल्कली है, मीन बेस है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिया है, इनको हमने हीट किया है जिसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट्स में मिले हैं कैल्शियम क्लोराइड, हमें वाटर मिला है और अमोनिया गैस मिली है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी कि हमें जो रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट्स में एक पंजेंट सी स्मेल आएगी, जैसे पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो हमें एक पंजेंट स्मेल आएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने जी यहाँ पर अमोनिया गैस फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पर कुछ इस तरह से पिक्चर से भी आपको जो है दिखाया गया है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो ये देखिएगा कि ये हमने कुछ ऑपरेटर्स लिए हैं, यहाँ पर बंसन बर्नर है हमारे पास, और ये जो फ्लास्क है इसके अंदर हमने क्या लिया है, हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है और साथ लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है। अब इसके अंदर से जो है हमने एक डिलीवरी ट्यूब को पास किया है इस फनल के अंदर से, और हमने बीकर के अंदर जो है इसको यहाँ तक अटैच कर दिया है। अब जैसे ही रिएक्शन हुआ, ठीक है, जैसे ही ये इसको हमने हीटअप किया, हमने इसको यहाँ नीचे से बंसन बर्नर से हीट दी, तो क्या हुआ कि ये बबल्स बनना शुरू हो गए। अब वो बबल्स जो है वो डिलीवरी ट्यूब से पास होते हुए कहाँ तक जाएंगे, बीकर तक, और वहाँ जाके जो है और ज़्यादा मज़ीद बबल्स जो है वो बना देंगे, और यहाँ से जो है वो इवॉल्व होगी अमोनिया गैस, और फिर हमें जो है पंजेंट स्मेल भी आएगी। ये भी आपकी बुक के अंदर जो है ये मेंशन है। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ईजी लगा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, थोड़ी सी न्यू चीज़ें हैं जो कि आपने लर्न करनी है, जैसे ये लिटमस टेस्ट है, इसके अलावा फिनोफ्थलीन का कलर क्या चेंज होता है, टर्मेरिक पेपर का क्या कलर चेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज का क्या उसमें चेंज आता है, तो ये सब चीज़ें जो है आपने ये लर्न करनी है, ठीक है। और बुक में आपके सब कुछ ये मेंशन है। इसके अलावा जो है आप मेरा लेक्चर दोबारा भी सुन सकते हैं, सो कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप बाद में पूछ भी सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।